बहुत कम वक्त बचा है बॉम्ब फटने में, अगर ही डिफ्यूज नहीं हो पाया तो। नहीं, जो भी हो, मैं बलहार जी और बाकी लोगों को तो बचा ही सकती हूँ ना। चुपचाप खड़ी रहो मलार जी, प्लीज बहुत कम वक्त बचा है मलार जी।
क्या करने जा रही थी तुम? बॉम्ब स्क्वाड वाले बॉम्ब डिफ्यूज करने ही वाले थे और तुम वहां से भाग आई। समझती क्या हो तुम अपने आप को? कल्याणी तुम्हें पता है तुमसे ज्यादा बेवकूफ लड़की मैंने जिंदगी में नहीं देखी। गर्व है मुझे अपनी बेटी पर कि वो बेवकूफ है। जान खतरे में डालकर किसी और की जान बचाना बेवकूफी है ना? तो हाँ, मुझे खुशी है कि मेरी बेटी बेवकूफ है। जो आदमी उसके साथ सीधे मुंह बात तक नहीं करता, उसकी जान बचाने के लिए इतना बड़ा खतरा उठाना बेवकूफी है ना? तो मुझे खुशी है कि मेरी बेटी बेवकूफ है। पर शायद तुम कल्याणी को पहचान ही नहीं पाए, लेकिन मैं उसे अच्छी तरह से पहचानती हूँ। हम दोनों के बीच कोई खून का रिश्ता नहीं है। शायद ये बेवकूफी की डोरी है जो हमें एक दूसरे से बांधती है। और आज उसने जो कुछ किया ना, उसके लिए मुझे उस पर गर्व है। अरे डर गई थी वो कि कहीं तुम्हारे लोग उस बॉम्ब को अक्रिय नहीं कर पाते ना, तो उन लोगों के साथ साथ तुम्हारी जान भी खतरे में होती। और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, उन लोगों में कोई भी 18 साल की लड़की मेरी बेवकूफ बेटी जितनी हिम्मत नहीं दिखा पाती, समझे तुम? काश कल्याणी, काश तुम्हारी जगह कोई ऐसा इंसान होता जिसने मुझे बेवकूफ बना के मेरी जिंदगी बर्बाद ना की होती, तो उसको मैं गले लगा के शुक्रिया अदा करता। क्या जरूरत थी आपको महाराज जी के सामने मेरी साइड लेने की? उन्हें पत... होशियारी दिखाने की क्या समझती हो तुम अपने आप को? क्या कर रही हो? सबकी जान बचाने का ठेका लेके रखा है तुमने। तुम्हें अगर कुछ हो जाता तो एक पल के लिए मेरी जान निकल गई थी। जिसे तुम हमेशा कहती रहती हो ना, मेरी जान निकल गई थी। वैसे जब पल्लू मेरी गोद में था ना, मेरी जान निकल गई थी। आई मुझे लगता है भगवान जी ना मुझे मुझे मां बनने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। डर गई थी ना तुम, सॉरी। Thank you.
लाइए बच्चे को मुझे दीजिए। पिल्लू, पिल्लू, मुझे दीजिए, पिल्लू, पिल्लू, पिल्लू तू ठीक है ना? हाँ, तुझे कुछ हुआ तो नहीं ना? तू डरा तो नहीं ना? पिल्लू, पिल्लू, I'm sorry पिल्लू, हाँ, ये सब मेरी वजह से हुआ ना? मैंने कभी नहीं सोचा था मेरे साथ ये सब होगा। पिल्लू, पिल्लू, I'm sorry। कल्याणी हमें चलना चाहिए। नामकरण के कार्यक्रम से पहले हमें गांव पहुंचना है। अरे वाह, मेरा पिल्लू तो कितना ब्रेव बच्चा है। इतना सब कुछ हो गया लेकिन मेरा पिल्लू डरा नहीं हो। कल्याणी, पिल्लू मुझे दो। क्या? पिल्लू को मुझे दो। अरे दो। अत्या, पिल्लू, मुंबई में जो कुछ भी हुआ है मैंने सब सुन लिया है। ये मत सोचो कि तुमने कोई महान काम किया है। तुम्हारी वजह से मेरा नातू की जान खतरे में आ गई थी। अभी ना मैं कोई इल्जाम सुनने के मूड में हूं नहीं, इसलिए बिना कोई ड्रामा किए पिल्लू को मुझे वापस दीजिए। तुम चुपचाप अंदर जाओ, पिल्लू मेरे पास रहेगा। अत्या, मैंने कहा पिल्लू को वापस दीजिए। मैंने कहा ना पिल्लू मेरे पास रहेगा। आई, बच्चा कल्याणी को दे दीजिए। नामकरण के कार्यक्रम में तुम शामिल मत होना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी वजह से खुशी का माहौल बिगड़ जाए। ये तो सब जानते ही हैं कि तुम कितनी मनहूस हो। बंदे को बिगाड़ना कोई तुमसे सीखे। गई थी खरीदी करने और विस्फोट करा के आ गई। पिल्लू के नामकरण में मैं शामिल भी होंगी और तैयारियां भी मैं ही करूंगी। और रही बात मनुष्यत की ना, तो पिल्लू मेरी गोद में आके रोता नहीं। गणपति बप्पा, अब घर जाकर कोई बहाना बनाना पड़ेगा कि मैं विवेक भाव के साथ वापस क्यों नहीं आई। मल्हार को भले ही पता चल गया हो, लेकिन आओ साहब और बाकी घर वालों को नहीं पता चलना चाहिए कि कल्याणी और मेरे बीच बातचीत शुरू है। औरंगाबाद के रहवासी कल्याणी देशमुख ने बड़ी ही बहादुरी दिखाकर बिना डरे न केवल अपने बच्चे की बल्कि उस समय मौजूद मॉल में करीब 25 लोगों की भी जान बचाई। डर कर भाग गई होगी, लोगों को लगा होगा उनकी जान बचाने के लिए भागी। आओ साहब, आओ साहब, आओ साहब। मंजीरी,
हाउस साहब समाचार देख रही थी, आपकी पोती ने तो कमाल ही कर दिया। ये बताने के लिए हमें बुलाया है हाँ? और उसने कोई बहादुरी का काम नहीं किया है। वो अपनी जान बचाने के लिए भाग रही थी, लोगों को लगा कि वो उनकी जान बचाने के लिए भाग रही है। माई, आपने कल्याणी के बारे में सुना क्या? हाँ, गोदावरी का फोन आया था, उसने बताया। तुम विवेक के साथ क्यों नहीं आई? और ऐसा कौन सा जरूरी काम था जो तुम्हें मुंबई जाना पड़ा? फौज साहब, कढ़ाई के लिए अब चांदी की तार खरीदनी थी और विवेक भाव जल्दी में थे ना, तो वो जल्दी घर आए। अच्छा, तो फिर सामान कहाँ है? हाँ, दरअसल विस्फोट की खबर सुन के मैं बहुत डर गई थी, जल्दी घर आना था तो हड़बड़ी में सामान दुकान पर ही छूट गया। भाई चलो, अच्छा हुआ बच्चे के नामकरण से पहले आ गई। अब आओ साहब, आपको तो नेता दिया होगा ना मल्हार ने। अरे देवा, नहीं बुलाया क्या? क्या दिन आ गया आऊ साहब, क्या ठाट हुआ करती थी आपकी, और आज देखिए। मंजरी, जाने दो ना, तुम्हें इस बीच में बस तुम्हें हमारा बचाव करने की कोई जरूरत नहीं है। और तुम निकल जाओ यहाँ से। आऊ साहब, हमने कहा निकल जाओ यहाँ से, चलो। अरे आओ साहब, अरे बहुत सुन लिया हमने, चलो चलो निकलो, बहुत सुन लिया हमने, हाँ चलो निकलो। अरे निकल जाओ हमारे घर से, और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना हमें। हाउस साहब, हमारे घर में आकर हमें नीचा दिखा रही हो। हाउस साहब, आओ साहब, अब ये घर कहाँ रहा आपका? मैं शाम को वापस आऊंगी उस नामकरण में शामिल होने के लिए, जिसका तो आपको न्योता ही नहीं मिला। अब सब जाने दीजिए। पूर्ण विराम। बहुत तैयारी की है ना नामकरण विधि की, लेकिन अब ऐसा तमाशा होगा कि बच्चे को नाम मिलने से पहले ही मल्हार का नाम मिट्टी में मिल जाएगा।